हेलो बच्चों, यह कक्षा दो की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ एक है, हंसते रहना, जो कि एक कविता है। इस कविता में हम जानेंगे कि प्रकृति की कौन कौन सी चीज़ें हमें कैसा बनने के लिए प्रेरित करती हैं। हम जानेंगे कि प्रकृति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिससे हम खुश रहें, हमारा जीवन सुंदर और सुखी हो। इस कविता के कवि चाहते हैं कि हम सदा खुश रहें और सब में खुशियां बांटें, तभी ये दुनिया सुंदर और खुशहाल बनेगी। तो चलिए पहले इस कविता को लयबद्ध तरीके से बोलते हैं। बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियां खूब लुटाना तुम। बच्चों हंसते रहना तुम, खुशियां खूब लुटाना तुम। देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना। देखो फूलों का खिलना, देखो नदियों का बहना। झरनों जैसा झरना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। मिस्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। मिस्री सी वाणी बोलो, पंछी सा गाते डोलो। गीतों में रस भरना तुम, बच्चे हंसते रहना तुम। सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम दम दमको। सूरज सा चमचम चमको, चंदा सा दम 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 को। फूलों सा महकना तुम, बच्चों हंसते रहना तुम। तो आइए अब इस कविता को समझें और इसका आनंद उठाएं। कवि आप बच्चों से कह रहे हैं कि बच्चों आप सब हमेशा हंसते रहना। अब यहाँ हंसने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जोर जोर से हंसना या खिलखिलाना है। यहाँ हंसने का मतलब खुश रहने से है। कवि कह रहे हैं कि बच्चों आप हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ दो। खुशियाँ लुटाना मतलब है हमें स्वयं तो खुश रहना ही है, और हमें ये भी देखना है कि जो भी हमारे आसपास हैं, हमारे मित्र, हमारे परिवार, हमारे समाज के लोग, वे सब भी खुश रहें। हम कुछ ऐसा करें कि किसी को दुख ना पहुँचाएं, अर्थात हमारी वजह से कोई दुखी ना हो बल्कि सब खुश रहें। अब हम इसका पहला अंतरा देखते हैं। देखो फूलों का खिलना मतलब जिस तरह फूल खिलते हैं उनका खिलना लोगों को अच्छा लगता है। वे खिलकर खुद भी सुंदर लगते हैं तथा लोगों को आनंदित भी करते हैं। तो बच्चों आप भी फूलों की तरह हमेशा खिले खिले रहो, जिससे कि आपको देखकर लोग प्रसन्न रहें। अगली पंक्ति है, देखो नदियों का बहना। अब यहाँ देखिए, नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि जीवन भी निरंतर चलता रहता है। नदियों के रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी अवरोध आता है, तो वे रुकती नहीं हैं, वो आगे ही बढ़ती रहती हैं। अतः हमें उनसे यह सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी परेशानियाँ आएँ, कितनी भी रुकावटें आएँ, हमें घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। झरनों जैसा झरना तुम। अब देखिए, झरने जब ऊंचाई से गिरते हैं तो एक अद्भुत लयबद्ध ध्वनि होती है, मानो प्रकृति कोई गीत गा रही हो। झरना इतनी ऊंचाई से गिरता है फिर भी मीठा पानी देता है। देखिए यहाँ पर इस चित्र में झरना इतनी ऊंचाई से गिर रहा है, लेकिन ये एक बहुत ही मीठी ध्वनि होती है, और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी ये मीठा पानी देता है, एक ताजगी का एहसास करवाता है। तो हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों में भी हम खुश रह सकते हैं। तो झरने की तरह हम भी स्फूर्ति से भरकर जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मिश्री सी वाणी बोल। अब बच्चों, मिश्री एक खाने की वस्तु होती है जिसका स्वाद मीठा होता है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार मिश्री मीठी होती है, उसी प्रकार हमारी वाणी, हमारी बोली में भी मिठास होनी चाहिए। वाणी का मतलब बोली होता है, जब हम बोलते हैं उसे हम वाणी कहते हैं। तो हमारी जब वाणी में मिठास होगी तो सभी हमारे मित्र बनेंगे, हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, हमें पसंद करेंगे। कड़वा और कर्कश बोलने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता, अतः हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। अगली पंक्ति है, पंछी सा गाते डोलो। अब पंछी मतलब होता है पक्षी, चिड़िया। जिस प्रकार पंछी
खुशहाल रहते हैं, खुशी से चहचहाते रहते हैं, गाते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी प्रफुल्लित होकर रहना चाहिए। गीतों में रस भरना तुम, अब यहाँ इसका अर्थ है कि गीतों में जो मधुरता होती है उसको हमें बनाए रखना है, क्योंकि गीत तभी अच्छे लगते हैं जब वो मधुर होते हैं, लय ताल में होते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे अंतरे की ओर। सूरज सा चमचम चमको, अब देखिए यहाँ पर सूरज की रोशनी, कैसे सूरज चमक रहा है। तो हम बच्चों, जिस प्रकार सूरज चमकता है, धरती पर अपनी चमक से उजाला फैलाता है, अंधेरों को दूर करता है, सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में जान भर देता है, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि बच्चों तुम भी अपनी प्रतिभा की चमक फैलाना, सूरज की तरह दुनिया में अपना नाम ऊंचा करना, सबकी भलाई करना, अपने ज्ञान के प्रकाश से, अपने ज्ञान की चमक से सबका मन जीत लेना। चंदा सा दम 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 को, जिस प्रकार चंद्रमा रात को अपनी रूपहली चमक बिखेरता है, रात के अंधेरे में दमकता है, तुम भी जीवन के इस अंधेरे रूपी संघर्ष के बीच दमकना, चंद्रमा की तरह तुम्हारी भी रूपहली रोशनी दुनिया में बिखरे। अगली पंक्ति है फूलों सा महकना तुम। बच्चों आपने देखा कि पहले अंतरे में फूलों सा खिलना था, जो कि फूल की बाहरी सुंदरता है, परंतु फूल की खुशबू उसका आंतरिक गुण है, उसके अंदर की खूबसूरती है। फूलों की महक सबको अपनी ओर मोह लेती है, सबको अच्छी लगती है, तथा आसपास का जो वातावरण होता है उसको भी महकाती है। तो उसी प्रकार बच्चों तुम भी अपने गुणों से, अपने अच्छे काम से दुनिया भर में महकना और सदा खुश रहना। तो उम्मीद है आपको ये पाठ, ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। तो ऐसा करते हैं कि अब इसके अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है मौखिक। यहाँ पर कुल तीन प्रश्न हैं जिनके हमें मौखिक उत्तर देने हैं। तो पहला देखते हैं, इसमें प्रश्नों के उत्तर दो। कवि बच्चों से क्या करने को कहते हैं? तो कवि बच्चों से क्या करने को कह रहे हैं? कवि बच्चों से सदा हंसने को कहते हैं, उन्हें खुश रहने को कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चों को कैसी बोली बोलनी चाहिए? तो बच्चों को मिश्री जैसी मीठी बोली बोलनी चाहिए। कैसी बोली बोलनी चाहिए? मिश्री जैसी मीठी बोली बोलनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किस पंक्ति में फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात की है? फूलों सा महकना तुम, इस पंक्ति में फूल की तरह या फूलों की तरह खुशबू बिखेरने की बात कही गई है। अब आते हैं अगले अभ्यास की ओर। इसमें कविता की कुछ पंक्ति, एक पंक्ति दी हुई है, उसको पूरा करना है। मिश्री सी वाणी बोलो, मिश्री सी लिखा हुआ है और खाली जगह पे हमें लिखना है वाणी बोलो। अगला है, गीतों में रस भरना तुम, गीतों में लिखा हुआ है और खाली स्थान पे हमें लिखना है रस भरना तुम। तो इसके लिए आपको ये कविता याद होनी आवश्यक है, अगर ये आपको कविता याद रहेगी तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। अगली पंक्ति है, खाली स्थान है फिर डोलो, तो इसमें है पंछी सा गाते डोलो। अगला है, खाली स्थान है फिर रहना तुम, मतलब बच्चों हंसते रहना तुम। आते हैं अब अगले अभ्यास की ओर, भाषा से। यहाँ पे समान अर्थ वाले शब्दों को गोला लगाना है। अब समान अर्थ का मतलब होता है एक जैसे अर्थ वाले शब्द। किसी वस्तु का एक से अधिक भी नाम हो सकते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे हवा को वायु भी कहते हैं, भगवान को ईश्वर कहते हैं, पेड़ को वृक्ष कहते हैं, उसी तरह कई ऐसे नाम होते हैं जिनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो इस अभ्यास में हमने क्या करना है, जो समानार्थी शब्द है उसको गोला लगाना है। मुख्य शब्द दिया है, उसके साथ हमें तीन विकल्प दिए हैं, सही विकल्प को हमें गोला लगाना है। तो पहला शब्द हम देख रहे हैं सूरज, और विकल्प दिया गया है किरण, रोशनी और सूर्य। तो इसमें हमें सूर्य को गोला लगाना है। क्यों? क्योंकि सूर्य इसका सही उत्तर है, और अन्य दो शब्द यानी कि किरण और रोशनी सूर्य के प्रकाश को कहते हैं, इसलिए सूर्य इसका सही उत्तर है। दूसरा शब्द है पंछी। अब पंछी के साथ विकल्प दिया है पंख, पक्षी तथा कबूतर। यहाँ आपको पक्षी शब्द पर गोला लगाना है,
क्योंकि पंख तो पक्षी के शरीर का भाग होता है जिसकी सहायता से वे उड़ते हैं, तथा कबूतर एक प्रकार का पंछी होता है, इसलिए हमें पक्षी शब्द पर गोला लगाना है। अब तीसरा शब्द है वाणी, और हमें विकल्प मिला है आवाज, बोली और गीत। अब यहाँ हमें बोली पर गोला लगाना है, क्योंकि आवाज का अर्थ होता है ध्वनि। वो किसी वस्तु के गिरने से भी आवाज आ सकती है, तो उसे हम बोली नहीं कह सकते, उसे वाणी नहीं कह सकते। तो क्योंकि जो वाणी होती है वो सुरताल के साथ हमारे मुंह से निकलती है, और गीत तो वो होती है जिसे हम गाते हैं। तो यहाँ पे उत्तर है बोली। अब चौथा शब्द हम देखते हैं, चौथा शब्द है फूल, और इसके विकल्प हैं कली, पुष्प और कमल। अब इसमें सही विकल्प यहाँ पर पुष्प है, हमें पुष्प को गोला लगाना है, क्योंकि कली आधे खिले फूल को कहते हैं, तथा कमल एक प्रकार का फूल होता है जो पानी में खिलता है, इसलिए सही उत्तर यहाँ पर पुष्प है। अगला शब्द है चंदा, और विकल्प दिया है चांद, बिंदी और चांदनी। यहाँ हमें चांद को गोला लगाना है, क्योंकि बिंदी माथे पर लगाते हैं और चांदनी चंदा की रोशनी को कहा जाता है, तो सही उत्तर हुआ चांद। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं दूसरे अभ्यास की ओर, समझो और बोल बोल कर पढ़ो। इसमें शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप लिखे हुए हैं, जिसे हम एक और अनेक भी कहते हैं। यदि एक बच्चा है तो उसे हम बच्चा ही कहेंगे, परंतु एक से अधिक बच्चे होंगे तो उसे हम बच्चे कहते हैं। एक नदी को नदी ही कहेंगे, परंतु एक से ज्यादा होगी तो उसे नदियां कहेंगे। एक झरना है तो झरना रहेगा, अनेक झरना है तो उसे झरने बोलेंगे। एक खुशी है तो उसे खुशी ही कहेंगे, लेकिन अगर अनेक खुशी है तो उसे हम खुशियां कहेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो संज्ञा शब्द आ की मात्रा से समाप्त होते हैं, उनका बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा को हटाकर एक ही मात्रा करना होता है। जैसे बच्चा, बच्चा शब्द में चा में आ की मात्रा है, परंतु बहुवचन में च में से आ की मात्रा हटाकर एक ही मात्रा लगा देंगे, तो चा चे हो जाएगा, बच्चा बच्चे। झरना, अब झरना में न में आ की मात्रा है, तो उसका बहुवचन बनाते समय हम आ की मात्रा हटाकर एक ही मात्रा लगा देंगे, तो ना ने हो जाएगा, झरना झरने। उदाहरण के लिए लड़का लड़के, गमला गमले आदि। उसी तरह यदि एक वचन के संज्ञा शब्द में बड़ी की मात्रा है, तो वह बहुवचन में छोटी की मात्रा हो जाएगी, और उसके साथ चंद्र बिंदु वाला या लग जाएगा, यानी या। जैसे नदी में द पर जो बड़ी की मात्रा है वो हटाकर छोटी की मात्रा लग जाएगी, साथ ही या जोड़ दिया जाएगा, जैसे नदी नदियां, बिल्ली बिल्लियां, तितली तितलियां आदि। अब चलते हैं हमारे अभ्यास संख्या 3 पर, जिसमें समान तुक वाले शब्दों को मिलाना है, उनका मिलान करना है। अब हमें ये जानना है कि समान तुक का मतलब क्या होता है। समान तुक मतलब जो एक जैसी ध्वनि या ताल या लय वाले शब्द, जैसे गाना खाना, अंतिम के दोनों अक्षर में ना ना है तथा साथ ही में उनमें एक लय है। गाना खाना, भेड़ पेड़, समान ध्वनि समान लय है इसमें। तो आइए इसका हम अभ्यास करते हैं। अब देखिए, एक तरफ लिखा कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसको दूसरी तरफ जो शब्द दिए गए हैं उनसे उनका मिलान करना है, उनकी ताल, उनकी लय, उनकी ध्वनि के हिसाब से। पहला शब्द है वाणी, तो हमें दूसरी तरफ ऐसा शब्द देखना है जिसमें अणी भी हो तथा साथ में उसका लय भी वाणी के साथ मिलता हो। तो हम देख रहे हैं कि शब्द है वाणी के साथ है प्राणी, वाणी प्राणी। दूसरा शब्द है झरना, तो हमें ऐसा ही दूसरी तरफ शब्द देखना है जिसमें ना भी हो प्लस लय ताल भी हो। अब भरना और बहना दो शब्द है जिसमें ना है, लेकिन यहाँ पर झरना के साथ भरना पूरी तरह से लय में जा रहा है, झरना भरना। ऐसे ही गाते लाते, गीत मीत, रहना बहना। अब हम चलते हैं अभ्यास संख्या 4 पर। यहाँ पर संयुक्त अक्षर से संबंधित शब्द लिखे गए हैं। देखिए, आधा श और र मिला के बनता है श्र,
आधा श और आधा र श्र, जैसे मिश्री, परिश्रम, श्रमिक। यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं, मिश्री, परिश्रम, श्रमण। फिर है अगला आधा च और पूरा च, च च च जैसे लगता है। तो ये इसमें जैसे है बच्चा, सच्चा और कच्चे। अब अभ्यास संख्या 5। यहां पर शब्द को उल्टा करके नया शब्द बनाया जा रहा है, तो देखते हैं किस तरह से बनता है। देखिए पहला शब्द है चना। अब इसमें इसको हम उल्टा करते हैं, ना को पहले लिखेंगे और च को बाद में, तो बनेगा ना च, नाच, चना। और दूसरा शब्द बन रहा है हमारा नाच। उसके नीचे लिखा है चीनी। अब यहाँ पे पहले हम नी लिखेंगे फिर ची लिखेंगे, तो नीची। उसके नीचे ह वा, हवा। अब वाह पहले लिखेंगे ह बाद में, तो क्या बन जाएगा, वाह। दूसरी तरफ देखिए र हा, रहा। अब यहां इसको जब उल्टा करेंगे तो हा पहले लिखेंगे और र बाद में लिखेंगे, हा र। उसके नीचे लिखा हुआ है बजे। अब इसमें जे पहले लिखेंगे और ब बाद में, तो बन जाएगा जेब। उसके नीचे लिखा है राखी, तो खी पहले लिखेंगे और रा बाद में, तो बन जाएगा खी रा। तो इसी के साथ ही इस पाठ से संबंधित जो अभ्यास कार्य है वो पूरा हुआ। उम्मीद है आपको सारे अभ्यास समझ में आए होंगे। धन्यवाद।